यति नरसिंहन ने पुलिस को दी गाली, कहा हिजड़ो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के अलावा दिल्ली और उत्तराखंड पुलिस प्रमुखों से पूछा कि अब तक अभियुक्तों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। कोर्ट की फटकार के बाद गुरुवार को जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के दौरान का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें नरसिंहा नंदगिरी पुलिस अफसरों से यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, यार तुम सब मरोगे, अपने बच्चों को भी मरवाओगे। अब एक दूसरा वीडियो सामने आया है, जिसमें किसी विशाल नाम के व्यक्ति से बात करते हुए नरसिंहा नंद पुलिस को हिजड़ा कह रहा है। हरिद्वार धर्म संसद में नफरती भाषण देने के आरोप में जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को गुरुवार के दिन गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें नरसिंहानंद गिरी पुलिस अफसरों से कह रहा है, दिखाई दे रहा है, यार तुम सब मरोगे, अपने बच्चों को भी मरवाओगे। नरसिंहानंद ने पुलिस को हिजड़ा कहा। दरअसल विशाल ने नरसिंहानंद ने वसीम रिजवी की गिरफ्तारी का कारण पूछा। इसके जवाब में नरसिंहानंद ने कहा, देखे हम शांत नहीं बैठेंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट पर, इस संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। ये संविधान हिंदुओं को खा जाएगा, 100 करोड़ हिंदुओं को खा जाएगा। इस संविधान पर विश्वास करने वाले सारे लोग मर जाएंगे, जो इस सिस्टम पर, नेताओं पर, इस सुप्रीम कोर्ट पर, इस पुलिस पर, इस फौज पर भरोसा करेंगे, कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। नफरत फैलाने वाले नरसिंहानंद ने आगे कहा, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जब तक वसीम रिजवी थे इस्लामिक कट्टरपंथी के खिलाफ बोलते रहे तो गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन जितेंद्र नारायण सिंह बनते ही गिरफ्तार हो गए। तब इन पुलिस के हिजड़े, एक भी नेता की हिम्मत नहीं थी कि उन्हें गिरफ्तार कर ले। जैसे ही उन्होंने सनातन अपनाया, वो इस देश में दोयम दर्जे के नागरिक हो गए और आज अपमानित होकर, प्रताड़ित होकर जेल में है। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल।